मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप कम होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना को लेकर प्रतिबंध हटाए गए हैं। उसी कड़ी में स्कूल शिक्षा विभाग में भी 100% क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन किया गया है। वहीं 2 वर्षों से कोरोना के चलते ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के साथ ही परीक्षाएं भी ऑनलाइन के माध्यम से ली जा रही थी, लेकिन अब परीक्षाएं और कक्षाओं का संचालन ऑफलाइन के माध्यम से किया जाएगा। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की अर्धवार्षिक परीक्षा 29 नवंबर से करने की तैयारी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कर ली गई है और यह सभी परीक्षाएं ऑफलाइन के माध्यम से की जाएंगी जो 8 दिसंबर तक चलेंगी। कक्षाओं को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा। वहीं अब कक्षाओं के संचालन के लिए अभिभावकों की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसी उम्मीद स्कूल शिक्षा विभाग को है। अभी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 22 तारीख से पूर्ण क्षमता से सभी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग वगैरह खुलेंगे, तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वे भी 22 तारीख से पूरी क्षमता से शुरू हो रहे हैं और 29 दिसंबर से शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों की ऑफलाइन अर्धवार्षिक परीक्षा होगी जो कि 8 दिसंबर तक चलेगी। सर, ऑफलाइन क्योंकि अभी 2 सालों से देखा जा रहा था कि ऑनलाइन एग्जाम है, अब ऑफलाइन है तो बच्चों को भी कठिनाई जाएगी इसमें। चूंकि आपको पता होगा कि जुलाई के लास्ट वीक में हाई सेकेंडरी स्कूल खुल गए थे और अगस्त से 9वीं से 12वीं के स्कूल भी खुल गए थे, तो हमारी तैयारियां लगातार चल रही हैं। आपको ये भी पता होगा कि सितंबर में हमने ऑफलाइन त्रैमासिक परीक्षा भी करवाई थी, उसके बाद अक्टूबर में एक मंथली टेस्ट भी करवाया और जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 30% कोर्स कम किया उसका ब्लूप्रिंट भी हमने सभी स्कूलों में के माँ को और छात्रों शिक्षकों को उपलब्ध करा दिया गया है। चूँकि हमारी सभी तैयारियाँ पूरी हैं इसलिए छात्रों को ऑफलाइन हाफ ईयरली परीक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सर, पहले अनुमति लेने का अनिवार्य था लेकिन आप किस तरीके से देखा जाएगा पूर्ण क्षमता के साथ क्लासेस चलेंगी, तो पेरेंट्स की अनुमति अभी भी अनिवार्य रहेगी? चूंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिवस पूर्व घोषणा की है कि पूरी क्षमता से सभी शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे, स्कूल भी पूरी क्षमता से प्रारंभ हो रहे हैं और हमारी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो भी पूरी सभी छात्र आएंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आज पूरी क्षमता से स्कूल खोलने का और उसमें छात्रों को अपने अभिभावकों की लिखित सहमति लेकर आना अनिवार्य है नहीं, आज स्पष्ट हो जाएगा।